हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आज आप सभी के लिए जो राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2024 के जो कट ऑफ है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि 2024 की क्या कट ऑफ रह सकती है और यह भर्ती 4,197 पदों पर यह निकाली गई थी। दोस्तों, यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा यह 11 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाई जा रही है। और दोस्तों, इस 2024 में जो ये एलडीसी भर्ती परीक्षा है इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है इसको जानने से पहले हमें 2018 में जो भर्ती परीक्षा एलडीसी की कराई गई उसके बारे में हम देखते हैं कि उसकी पिछली कट ऑफ क्या क्या रही थी और उसमें कितने पद थे, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 थी यह 12,456 पदों पर यह भर्ती परीक्षा कंडक्ट करवाई गई और इसमें लगभग 14 लाख से अधिक स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, अपेयर होते हैं, इसमें बैठते हैं। और 2018 की यह कट ऑफ है दोस्तों, जो ये कट ऑफ है यह 3 गुना की है। जब रिटर्न एग्ज़ाम के बाद ये 3 गुना की कट ऑफ निकाली जाती है, इसके बाद टाइपिंग, और यह दोस्तों ये टाइपिंग के बाद जो 1.5 गुना की क्या है ये कट ऑफ है जो टाइपिंग के बाद निकाली गई, और ये इसकी क्या होती है ये फाइनल कट ऑफ है जिसमें इन नंबरों पर स्टूडेंट का क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों यह 3 गुना की क्या थी कट ऑफ थी और ये जो नंबर थे यह 200 200 जो मार्क्स से रिटर्न के उसमें से आए थे, और यह जो 1.5 गुना की कट ऑफ है यह जो है टाइपिंग के बाद जो स्टूडेंट की कट ऑफ थी ये है। दोस्तों, ये 300 में से, क्योंकि 200 का जो क्या था पेपर था और 100 नंबर का क्या होता है टाइपिंग टेस्ट होता है, इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ होती है वो ये है। दोस्तों, जो जनरल की कट ऑफ थी 122.289, एससी की 92.6079, एसटी की 77.0754, ओबीसी की 115.0414 और एमबीसी की 86.7339। ये दोस्तों ये इनकी कट ऑफ थी, और जो टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ निकलती है वह 215.4625, ये जनरल की थी। एससी की 184.1769, एसटी की 170.1364, ओबीसी की 207.6807 थी। ये दोस्तों ये 1.5 गुना की कट ऑफ थी, और फाइनल जो कट ऑफ है वह जनरल की 220.9126 और एससी की 193.3357, एसटी की 184.1394 और ओबीसी की 216.4726 और एमबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है 199.9238 थी। यह दोस्तों ये 2018 की ये कट ऑफ है। यह दोस्तों 3 कट ऑफ है, ये 3 गुना की, ये 1.5 गुना की, और ये कितनी थी फाइनल सेलेक्शन हो गया। दोस्तों, इस से हमें दोस्तों ये पता चल रहा है कि आपको कट ऑफ मार्क जो है उन्हें पार नहीं करना, बल्कि आपको जैसे किसी कैंडिडेट जनरल का है यदि उसके 122 है तो दोस्तों उसे 220 नंबर करने के लिए उसे एक तो ये हो गए 22 22 78 90 90 प्लस 98, उसे इतने नंबर लाने होंगे तभी उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। दोस्तों, ये तो रिटर्न रिटर्न में हो जाएंगे और ये टाइपिंग में 100 में से। तो दोस्तों, आपको यदि पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप टाइपिंग में, अगर कम टाइपिंग आपकी स्पीड है तो
तो आप मेंटेन कर लेंगे। इसलिए आपको इस जो पेपर है इस पर अधिक ध्यान देना है। और दोस्तों इसी प्रकार अब हम देखते हैं कि 2024 की क्या कट ऑफ रह सकती है दोस्तों, और यह 4197 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यह दोस्तों अब की बार जो LDC भर्ती परीक्षा है CET के आधार पर की गई है, और इसमें लगभग 60,000 प्लस स्टूडेंट इसमें क्या पेपर में बैठेंगे। इसलिए दोस्तों इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों आपको पहले तो आपको टारगेट लेकर चलना है, 150 प्लस जो नंबर है उनका टारगेट लेकर के चलना है, क्योंकि दोस्तों एक तो 2018 में जो भर्ती थी वो 12,456 पदों पर थी और यह भर्ती 4,197 पदों पर है। इसलिए आपको 150 प्लस का टारगेट लेकर इस भर्ती परीक्षा में चलना है, जिससे कि आप यदि आप टाइपिंग में आपका स्पीड नहीं है आपकी, तो आप इस पेपर में क्या कर सकें अधिक से अधिक नंबर लाएं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। इसलिए आप अपनी LDC भर्ती परीक्षा का जो पेपर है जो 11 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसमें आप अच्छी तरह से अपने पेपर को दीजिए, और आप सभी के लिए इस पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।